हेलो इंस्पायर्ड इन्वेस्टर्स, कैसा है आप सभी। आज हम बात करेंगे 5 कॉरपोरेट बॉन्ड फंड्स के बारे में जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए अभी इस कोरोना के टाइम पे। सो एज अ स्मार्ट इन्वेस्टर डोंट मिस द अपॉर्चुनिटी। मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से, मेरा वॉइस क्वालिटी थोड़ा ख़राब है क्योंकि मेरे पास माइक नहीं है, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन मैं आप लोगों को देने वाला हूँ वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। कॉरपोरेट बॉन्ड फंड जो कि एक तरीके का डेट फंड है, और इसमें इन्वेस्ट करने के क्या क्या फ़ायदे हैं वो मैंने अपने पुराने वीडियोस में बताया है। आप जाके वो वीडियोस एक बार देख सकते हैं, म्यूचुअल फंड वाले प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। कॉरपोरेट बॉन्ड फंड इसमें इन्वेस्ट करने के ये फ़ायदे हैं कि आपको तो रिटर्न्स अच्छे मिलेंगे ही और आपका रिस्क भी बहुत कम होता है। तो आप बोलेंगे कि भैया FD में भी तो रिस्क कम है और रिटर्न्स भी अच्छा है। जी हाँ, मैं मानता हूँ, लेकिन इसमें FD से भी ज़्यादा रिटर्न्स है और रिस्क तो बहुत ही कम है। अब आप देखिए, FD के रिटर्न से ये और एक कॉरपोरेट बॉन्ड फंड के रिटर्न है ये। FD के केस में आपको मैक्सिमम मिलेगा 7% तक, लेकिन वही कॉरपोरेट बॉन्ड फंड के केस में आपको मिनिमम मिलेगा 8% तक, और मैक्सिमम वो तो आप देख ही सकते हैं। सो एज अ स्मार्ट इन्वेस्टर सोचिए कौन सा बेटर है। अब जो पहला कॉरपोरेट बॉन्ड फंड है वो है सुंदराम कॉरपोरेट बॉन्ड फंड। आप देख सकते हैं इसने पहले साल में ही 12% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है यार, 12%। और इन एवरेज देखिए, इसने 8% से ज़्यादा रिटर्न दिया, और आपने बेंचमार्क को इसने हमेशा बीट किया है। अब बेंचमार्क मतलब क्या है? बेंचमार्क मतलब मान लीजिए एक लेवल है जहाँ तक वो फंड रिटर्न दे सकता है, लेकिन इसने उससे भी ज़्यादा दिया है। इंप्रेसिव ना? ये तो है ही, अच्छा रिटर्न तो देता है ये, लेकिन आप अगर इसका मेन थिंग देखेंगे एक्सपेंस रेशियो, तो वो देखिए 0.28%, जो कि बहुत ही कम है। बाकी म्यूचुअल फंड के केस में ये 1% तक होता है, लेकिन इसके केस में है 0.28% और एग्जिट लोड 0। मैक्सिमम जो कॉरपोरेट बॉन्ड फंड होते हैं उनके एग्जिट लोड 0 ही होते हैं, और जो एक्सपेंस रेशियो होता है बहुत ही कम होता है ये। मैं आप लोगों को एक रात की बात बताता हूँ, मुझे जब सैलरी मिलता है ना, मैं स्टूडेंट्स पढ़ाता हूँ, ठीक है, मैं खुद एक स्टूडेंट हूँ अभी, मतलब लोअर क्लास के स्टूडेंट को पढ़ाता हूँ। तो मुझे जब पैसा मिलता है ना, तो मैं क्या करता हूँ, पूरा पैसा वहाँ डिपॉजिट कर देता हूँ, मतलब इन्वेस्ट कर देता हूँ कॉरपोरेट बॉन्ड फंड में, और मेरा पैसा जो है वो टाइम के साथ ग्रो कर रहा है, थोड़ा थोड़ा करके, धीरे धीरे भी हो वो ग्रो कर रहा है। तो ये चीज़ आपको भी जानना चाहिए कि पैसा पैसे को बनाता है, ठीक है। नेक्स्ट जो कॉरपोरेट बॉन्ड फंड है वो है कैनरा रोबेको कॉरपोरेट बॉन्ड फंड। अब इसमें देखिए, इसने लगभग 11% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है इसने, और इसने अगर कंटिन्यूसली देखेंगे तो ईयर आफ्टर ईयर इसने 8% से ज़्यादा का रिटर्न दिया, और अपने बेंचमार्क को तो इसने हमेशा बीट किया है। अब इसका अगर आप एक्सपेंस रेशियो देखेंगे तो वो देखिए 0.29%, लेकिन इसका एक्सपेंस एग्जिट लोड है 0.5%, मतलब आप इसमें 3 महीने से पहले अगर पैसा निकालते हैं तब आपको 0.5% का एग्जिट लोड देना होगा। तो इक्विटी फंड्स के केस में क्या था कि ये 1 साल तक था, लेकिन कॉरपोरेट बॉन्ड फंड के केस में ये 3 महीना 4 महीना ऐसे होता है। तो आप अगर शॉर्ट टर्म के लिए पैसा इन्वेस्ट करते हैं तो आप इन फंड्स में कर सकते हैं, आपको रिटर्न्स भी अच्छे ही मिलेंगे और रिस्क तो आपका कम होता ही है भाई। और हाँ, अगर आपको मेरा काम अच्छा लग रहा है ना, तो प्लीज़ लाइक करें वीडियो को। नेक्स्ट जो फंड है वो है कोटक कॉरपोरेट बॉन्ड फंड। अब इसमें देखिए, इसने भी लगभग 10% से ज़्यादा का रिटर्न दिया है, और ऑन एवरेज 8%, और अपने बेंचमार्क को तो इसने हमेशा बीट किया है। अब इसमें देखिए, इसमें जो एक्सपेंस रेशियो है वो है 0.32% और एग्जिट लोड 0, मतलब आप जब चाहे पैसा विड्रॉ कर सकते हैं, जब चाहे पैसा इन्वेस्ट कर सकते हैं, आपको कोई रोक नहीं है। और लॉन्ग टर्म में भी इसने अपने बेंचमार्क को हमेशा बीट किया है। और हाँ, एक बात तो बताना भूल गया, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा। मैं अभी कुछ दिनों से बहुत कॉन्टेस्ट रख रहा हूँ इंस्टाग्राम पे, तो आप लोग उसमें पार्ट ले सकते हैं। नेक्स्ट जो कॉरपोरेट बॉन्ड फंड है वो है IDFC कॉरपोरेट बॉन्ड फंड। अब इसमें देखिए, इसने 12% से भी ज़्यादा का रिटर्न दिया है, और ऑन एन एवरेज तो आप देख सकते हैं 8% से ज़्यादा ही है। तो FD से हमेशा आपको ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे ही मिलेंगे, शॉर्ट टर्म में हो या लॉन्ग टर्म में, आपको हमेशा FD से ज़्यादा रिटर्न मिलेंगे। और एक्सपेंस रेशियो देखिए 0.27%, मतलब बहुत कम पैसा जा रहा है आपका फंड मैनेजर के पास, मैक्सिमम पैसा आपका इन्वेस्ट हो रहा है, एग्जिट लोड भी 0 है। तो आप सोचिए इन फंड्स में इन्वेस्ट करने के क्या फ़ायदे हैं, जब तब चाहे आप पैसा निकाल सकते हैं और आपको कोई चार्जेस देना नहीं होगा। लेकिन FD के केस में क्या था, आपको पैसा निकाल नहीं सकते आप, 1 साल के अंदर 6 महीने के अंदर पैसा निकालेंगे तो आपको चार्जेस देना होगा, लेकिन इन फंड्स में आपको कोई चार्जेस देना नहीं पड़ेगा, आपका पैसा जब ग्रो करता है आपको जब मर्जी आप उठा सकते हैं। और जो सबसे लास्ट म्यूचुअल फंड है वो है ICICI कॉरपोरेट बॉन्ड फंड। अब इसमें देखिए, बाप रे बाप, पहले साल में 10% से ज़्यादा का रिटर्न, और ऑन एन एवरेज देखिए 8% से ज़्यादा का रिटर्न दिया इसने, और अपने बेंचमार्क को तो इसने हमेशा बीट किया है। तो अब आप सोचिए कौन सा बेटर है।
और एक्सपेंस रेशियो भी अगर आप देखेंगे तो देखिए 0.28% और एग्जिट लोड हमेशा की तरह जीरो। तो ये थे कुछ कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स जिसमें आपको इन्वेस्ट करना चाहिए कि FD के बजाय, ताकि आपका पैसा जो है वो बहुत ही अच्छे परसेंटेज के साथ आपको मिले। सो